ताज़ा तरीन वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और आल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि आपको मिले हर खबर सबसे पहले। और नाज़रीन, यहाँ पर आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करता हूँ। सीनियर कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी इंतकाल कर गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सीनियर कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी के इंतकाल पर दुख और अफसोस का इजहार किया है। अपने ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि सैयद अली गिलानी के इंतकाल सुनकर दुख हुआ है। उन्होंने सारी उम्र कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत के लिए जिद्दोजहद की। इनका कहना था कि सैयद अली गिलानी ने काबज भारतीय इंतजामिया की कैदोबंद की अजीतें बर्दाश्त की और पुरअज़म रहे। उनकी जरूरतमंदाना जिद्दोजहद को सलाम पेश करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि हम इनके अल्फाज, हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है, हमेशा याद रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने सैयद अली गिलानी के इंतकाल पर एक रोज़ा सोग और परचम सर नगूं रखने का भी ऐलान किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया और कहा कि सैयद अली गिलानी की रहलत की खबर सुनकर दिल गिरफ्ता हूँ। सैयद अली गिलानी ने आखिरी सांस तक कश्मीरियों का मुकदमा लड़ा और मुतद्दद बार कैदो बंद की सोबतें भी बर्दाश्त की। पाकिस्तान पीपल पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी सैयद अली गिलानी के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि सैयद अली गिलानी कश्मीर में आज़ादी की तहरीक का दूसरा नाम थे। इनकी जिंदगी जद्द मुसलसल का एक सितारा थी।